सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। गढ़वा के तार में आए दिन बालू माफियाओं का सक्रियता बढ़ते जा रही है। रात्रि में बालू का अवैध उत्खनन जोरों से कर रहे हैं। इसकी सूचना पाकर थाना प्रभारी संतोष कुमार टीम गठित कर बालू से लोड ट्रैक्टर को जब्त कर सीओ मेघन महतो को सुपुर्द कर दिया। सीओ मेघन महतो ने ट्रैक्टर मालिक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई के लिए जिला खनन पदाधिकारी को सुपुर्द कर दिया है। बताते चले कि केतार, सोन बरवा, मुकुंदपुर, ताली गांव के बालू तस्कर सोन नदी एवं पंडा नदी से अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर रहे हैं। बालू तस्करों ने 2 बजे रात में प्रत्येक मोड़ पर अपना गुप्तचर छोड़ स्वतंत्र रूप से बालू की अवैध तस्करी दूसरे प्रखंड में मोटी रकम में करते हैं, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने वाहन जो सुनेश्वर बैठा का ट्रैक्टर बताया जा रहा है, उक्त ट्रैक्टर को पकड़कर थाने लाए और खनन विभाग को सौंपा गया। इससे बालू माफियाओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिर भी लगातार बालू माफियाओं के द्वारा हजारों ट्रैक्टर बालू डंप किया जा रहा है। संबंध में हम लोग गए, थाना प्रभारी द्वारा सूचना दी गई तो मैं गया, तो वो थाना परिसर में ला के रखा गया और उसको फिर हम लोग विजिट किए, वहाँ पर जाके देखे तो सही में था, तो उसको हम लोग जब्ती सूची बना के खनन विभाग को लिख रहे हैं, आवश्यक कार्रवाई करें।